जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का अध्याय 2। संगत जी, गुरु जी का हुक्म ही होगा ये कि गुरु जी के द्वारा संगत, बहुत सारी संगत ने मुझे कहा कि आंटी हमें शिव पुराण का लिंक भेज दो, हमें यूट्यूब पे समझ में नहीं आती है। तो शायद गुरु जी मुझे इस अपने बर्थडे महीने में पहली तारीख से ही कह रहे थे कि वो मेरे द्वारा ये सेवा लेना चाहते होंगे। मैं इस सेवा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी कि मैं YouTube पर अपने मुंह से, अपने आपकी आज्ञा से, आपके हुक्म से, आपके द्वारा मुझसे आप ये शिव पुराण पढ़वा रहे हैं। तो संगत जी, आशा आपको बहुत इजी भाषा में मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको समझ में आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अध्याय 2। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री साम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। फिर सूची कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई,
तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थतत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 3 समाप्त हुआ। 4 चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली आप
समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना और निर्गुना हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सचिदानंद स्वरूपिणी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था, वेश्या का उपभोग करने वाला। वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी कुछ सिद्ध बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरी राजकुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षे भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर जमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है।
वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। इस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु वनिमन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ किया। पहली अर्थात विधेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के पुरोषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदे सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 अगला होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का अध्याय 2। संगत जी, गुरुजी का हुक्म ही होगा ये कि गुरुजी के द्वारा संगत, बहुत सारी संगत ने मुझे कहा कि आंटी हमें शिव पुराण का लिंक भेज दो, हमें यूट्यूब पे समझ में नहीं आती है। तो शायद गुरुजी मुझे इस अपने बर्थडे महीने में पहली तारीख से ही कह रहे थे कि वो मेरे द्वारा ये सेवा लेना चाहते होंगे। मैं इस सेवा के लिए